Now, children, we will start the magnetic field due to a toroidal solenoid. इससे पहले हम लोगों ने सॉलिनॉइड की वजह से पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड निकालना उसकी एक्सिस पर, जिसका फॉर्मूला होता था बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, स्मॉल एन आई. इसमें स्मॉल एन जो था वो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ था, ठीक है ना. यानी नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ का मतलब ये हो गया कि अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न कैपिटल एन है और सॉलिनॉइड की लेंथ एल है, तो एन बाई एल को हम लोग कह देते हैं नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ठीक है. अब हमें देखना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टोरॉइडल सॉलिनॉइड. ये टोरॉइड क्या होती है? देखिए, अगर हम कोई रिंग ले लें या कोई बैंगल ले लें, चूड़ी ले लें, और उस पूरे में वायर को लपेट दें, तो ये मैंने एक रिंग दिखा रखा है, या आप कड़ा कह लीजिए, और उसमें मैंने वायर को लपेट दिया, ठीक है. तो ये जो आपका अरेंजमेंट बनेगा उसको हम लोग टोरॉइडल सॉलिनॉइड कहते हैं. यानी एक सॉलिनॉइड को ही आपने एक सर्कुलर रिंग के फॉर्म में मोड़ दिया है. तो टोरॉइडल सॉलिनॉइड क्या होती है? सॉलिनॉइड बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ ए क्लोज रिंग इज कॉल्ड ए टोरॉइडल सॉलिनॉइड, ठीक है. इसे मैंने सपोज कर लिया आई करंट फ्लो कर रही है, और इस टोरॉइडल सॉलिनॉइड की जो सेंटर से एक्सिस की जो डिस्टेंस है, ओ से इसकी एक्सिस की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है, स्मॉल आर है. तो मुझे तीन पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. एक तो इस पी पॉइंट पे, यहाँ कहीं पे, यानी टोरॉइड के आउटर स्पेस में लेकिन भीतर, ठीक है ना, इन द ओपन स्पेस इंटीरियर ऑफ द टोरॉइड. जैसे मैंने ये जो एस पॉइंट है उसको मैंने यहाँ दिखा दिया है बगल वाले फिगर में कि स्मॉल आर है, स्मॉल आर, या आप चाहें तो रेडियस स्मॉल आर ले लिया मैंने. तो मुझे जब आर भीतर निकालेंगे, यानी आर वन वाले पी वाले पॉइंट पे निकालेंगे, तो उस केस में आर वन की जो वैल्यू होगी, ये आर वन की जो वैल्यू होगी इस आर से कम होगी. तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आर वन इज लेस देन आर, ठीक है. अच्छा, अब जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है वहां से पास होते हुए हम लोग एक सर्कुलर लूप बना देते हैं जिसको एम्पीरियन लूप बोलते हैं. जैसे हम लोग गॉस थ्योरम में गॉसियन सरफेस बना देते थे जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था, वैसे ही एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करने के लिए जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है उस पॉइंट से होते हुए क्लोज लूप बना देते हैं जिसको एम्पीरियन लूप बोलते हैं, ठीक है. तो इस एम्पीरियन लूप की अगर मैं लेंथ निकालूं तो 2 पाई आर हो जाएगी. यानी लेंथ ऑफ लूप, लेंथ ऑफ एम्पीरियन लूप, आप चाहें तो ये इसको मैं जो पी पॉइंट से पास हो रहा है इस लूप को मैं लूप नंबर 1 लिख दे रहा हूं, 1, ठीक है ना, लूप नंबर 1, लेंथ ऑफ लूप 1. तो लूप 1 की जो लूप 1 की लेंथ को मैं एल वन लिख दे रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस हो जाएगा, यानी 2 पाई आर वन. और इसमें जो आर वन की जो वैल्यू है इस आर से कम होगी, लेस देन आर होगी. अच्छा, इस एम्पीरियन लूप में तो कोई करंट होगी नहीं, इस यहाँ तो कोई करंट होगी नहीं, क्योंकि इस पी पॉइंट से पास होता हुआ जैसे मैं एक ये लूप बना दूं, एक सर्कुलर लूप बना दूं, तो इसके अंदर तो कोई भी करंट नहीं है, ठीक है ना. तो करंट, अगर करंट की मैं वैल्यू पूछूं, करंट इन लूप L1, तो करंट की वैल्यू तो 0 है. नाउ बाई एम्पियर सर्किट लॉ, अगर मैं एम्पियर सर्किट लॉ लगा लूं, बाई एम्पियर सर्किट लॉ फॉर्मूला होता है क्या, बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, ठीक है. तो ये बी डीएल हो जाएगा. तो मैंने बी को मैंने बाहर निकाल लिया, और ये टू, ये डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ,
करंट की वैल्यू में इक्वेशन वन से रख दे रहा हूँ जीरो, यूजिंग इक्वेशन वन। अब इसकी लेंथ जो है, ये फर्स्ट वाले लूप की लेंथ 2 पाई आर होगी, इसलिए मैं वहां पे 2 पाई आर अगर रख दूं, 2 पाई आर1, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सॉल्व करके जीरो आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टॉरॉइड के बाहर, टॉरॉइड के अंदर नहीं, उसकी एक्सिस पे नहीं, उसके भीतर किसी पॉइंट पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो उसकी वैल्यू जीरो होती। तो बी की वैल्यू जीरो आ गई ऑन दी एट द इंटीरियर ऑफ द टॉरॉइड, यानी इस केस में आर वन की वैल्यू लेस देन आर होगी। अच्छा, अब मुझे निकालना है ऑन द एक्सेस, हाँ, अब हमें बेटा इसमें एस पॉइंट पे निकालना है, ये इसकी एक्सेस कहलाएगी, टोरॉइड की एक्सेस। तो एक्सेस में मैंने कोई एक पॉइंट एस ले लिया है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो इसमें से तो करंट पास हो रही है, मैंने सपोज कर लिया है कि करंट फ्लोइंग थ्रू ईच टर्न भी स्मॉल आई, स्मॉल आई मैंने सपोज कर लिया है कि लेट द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स भी कैपिटल एन, एंड करंट हर एक टर्न में जो करंट है, द करंट इन ईच टर्न, एक टर्न में से जो करंट फ्लो कर रही है वो मैंने सपोज कर लिया कि स्मॉल आई है। Therefore, अब अगर इसमें एम्पियर सर्किट लॉ लगा लें, अगेन बाई एम्पियर सर्किट लॉ फॉर्मूला होता है B dot dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट या नेट करंट। तो यहाँ B dot dl की जगह BdL आ जाएगा, और म्यू नॉट एक टर्न में आई करंट है, एक टर्न में आई करंट है, तो एन टर्न्स में जो टोटल करंट हो जाएगी वो एन आई हो जाएगी। इसे मैंने बी को बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन ओवर डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अब इंटीग्रेशन ओवर डीएल का मतलब है आपको जो ये एस वाली जो लूप है इसकी इसकी लेंथ लेनी है, तो इसकी रेडियस है आर, इसकी लेंथ हो गई डी। इंटीग्रेशन ओवर डीएल का मतलब हो गया ये एस वाले की लेंथ लेनी है, एस वाले, यहाँ एस लिख दे रहा हूं, तो एस वाले की जो लेंथ है वो 2 पाई आर है, 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल एन आई। यहां से अगर मैं बी की वैल्यू निकाल लू तो म्यू नॉट एन अपॉन 2 पाई आर इंटू आई, ये n टोटल नंबर ऑफ टर्न और ये इसकी हो गई लेंथ हो गई, तो नंबर ऑफ टर्न ये पर यूनिट लेंथ, इसको हम लोग बी एन अपॉन 2 पाई आर को स्मॉल n लिख देते हैं, और इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसमें अगर रख दें तो ये फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आ गया, ये ऑन द एक्सिस ऑफ द टोरॉइड आ गया। अब थर्ड हम लोगों को निकालना है ओपन स्पेस एक्सटीरियर टू द कोरॉइड, यानी ये क्यू पॉइंट पे निकालना है, यानी ये टोरॉइड है, टोरॉइड के बाहर किसी पॉइंट पे निकालना है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि जो हम अगर क्यू पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो मैंने क्यू से पास होता हुआ एक एम्पीरियन लूप बना दिया, ये एम्पीरियन लूप बना दिया है। और अब टर्न को देखिए, टर्न में जो है इस तरह से टर्न आया हुआ है, यानी इस पॉइंट पे करंट ऊपर आएगी और दूसरे एंड से करंट अंदर जा रही होगी। इसको मैं डायग्राम में कहूं तो यहां से तो करंट ऊपर आएगी और फिर जब क्यू पे जाएगी तो ये अंदर एंटर करेगी, यानी ये बाहर आ रही है और ये अंदर जा रही है। तो हम लोग अगर बाहर आने वाली करंट को पॉजिटिव लेंगे तो अंदर जाने वाली करंट को यहाँ पे नेगेटिव ले लिया जाता है। तो एट द एक्सटीरियर पॉइंट क्यू, एट द एक्सटीरियर पॉइंट क्यू
अगर मैं करंट की बात करूं, करंट टोटल करंट आई की बात करूं, तो आई की वैल्यू जितनी करंट बाहर आ रही है उतनी अंदर जा रही है, तो जो टोटल करंट जो हो जाती है इस केस में जीरो हो जाती है। देयरफॉर बी डॉट डीएल का अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, बी डॉट डीएल का अगर फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये होता है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट, और टोटल करंट की वैल्यू जीरो होती है, इंटीरियर भी जीरो होती है, एक्सटीरियर भी जीरो होती है। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूंगा आई टोटल की वैल्यू जीरो, तो बी डी एल की वैल्यू जीरो आ गई, और इस वाले से बी की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। यानी ना तो इंटीरियर, ना तो भीतर मैग्नेटिक फील्ड होती है ना बाहर होती है, बस मैग्नेटिक फील्ड उसकी एक्सिस पे होगी और कहीं नहीं होगी। लेकिन ये तभी होगी जब आप टोरॉइड को आइडियल टोरॉइड लेकर के चल रहे हैं। अगर आइडियल टोरॉइड होगी उस केस में ना तो अंदर होती है ना बाहर होती है, केवल उसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड होती है। यहाँ तक आपको करना है, अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा।